भगवान सिंधु को नमन करता हूँ, यहाँ पधारे हुए वरिष्ठ माता को नमन करता हूँ, भाई साहब अरुण जी को नमन करता हूँ, सभी कवियों को नमन करता हूँ, माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करता हूँ। बहुत छोटा कवि हूँ, इतनी महान विभूतियां बैठी हुई हैं, इनके बीच में मुझे अवसर प्रदान किया गया है। उम्मीद करूंगा कि भगवान शिव के भजन से आप लोगों को संतुष्ट कर पाऊंगा। बहुत सरल भजन है, ओम नमः शिवाय के साथ शुरुआत करूंगा और यहीं से आपको इस गीत में बांधने का प्रयास करूंगा। क्या बात, जय हो, बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले सभी लोग नमः शिवाय। शुरू करिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जिनके त्रिशूल में काशी है, जो खुद कैलाश निवासी है, जिनके त्रिशूल में काशी है, जो खुद त्रिशूल, जो खुद कैलाश निवासी है, तन में जो भस्म रमाए है, जो सदा शंभु कहलाए है, तन में जो भस्म रमाए है, जो तन में भस्म रमाए है, जो सदा शंभु अविनाशी है, शिव के मंत्रों को जपने से, शिव के मंत्रों को जपने से, शिव के मंत्रों को जपने से, शिव सारे दुख देते मिटाए। ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओ नागों के राजा को जिसने निज कंठ का हार बनाया है, नागों के राजा को जिसने निज कंठ का हार बनाया है, वह आदि अनंत परम शिव है, वह आदि अनंत परम शिव है, शिव में ब्रह्मांड समाया है, शिव में ब्रह्मांड समाया है। तो जिनकी जटाओं में माँ गंगा, जिनकी जटाओं में माँ गंगा, शशि को माथे पर है बसाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर माधव नमः शिवाय। तो जो कालों के हैं महाकाल, जो कालों के हैं महाकाल, शिव ही बस सत्य विधाता है, जो कालों के हैं महाकाल, शिव ही बस सत्य विधाता है, जिनकी अर्धांगिनी जगत शक्ति, जिनकी अर्धांगिनी जगत शक्ति, एक माँ जगदम्बे माता है, एक माँ जगदम्बे माता है। तो शिव शक्ति में शिव भक्ति में, शिव शक्ति में शिव भक्ति में, एक दूजे में दोनों समाए, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जिंदाबाद, दोनों एक दूजे में समाए। एक बार जोरदार तालियों से आप अमित जी का उत्साहवर्धन करें। शिवरात्रि का दिन है और भगवान भोले माँ गौरा को ब्याहने के लिए जा रहे हैं। चार पंक्तियों से आपको माँ गौरा के उस भगवान शंकर की उस बारात से जोड़ने का प्रयास करूंगा कि आज शंकर जी गौरा को ब्याहने चले, आज शंकर जी गौरा को ब्याहने चले,
आज शंकर जी गोरा को ब्याहने चले, झूम कर आसमां गीत गाने लगा। आज शंकर जी गोरा को ब्याहने चले और झूम कर आसमां गीत गाने लगा। और गुल महकने लगे वादियों में सभी, गुल महकने लगे वादियों में सभी। और मस्त पागल पवन मुस्कुराने लगा। आज शंकर जी बहुत बहुत आभार। अब कि ऐ बहारों करो पुष्प बरसात तुम, ऐ बहारों करो पुष्प बरसात तुम। देखो दूल्हा चला सर पे सेहरा। भगवान बारात की तरफ चल रहे हैं कि ऐ बहारों करो पुष्प बरसात तुम। देखो दूल्हा चला सर पे सेहरा लिए, चांदनी रात चम चम चमकने लगी। नभ के तारों ने टिम टिम जलाए दिए, नभ के तारों ने टिम टिम जलाए दिए। और चांद और चंग दोनों को धारण किए। क्या खूबसूरती है भगवान शिव की, चांद और कंग दोनों को धारण किए। भस्म नंदी विश्व के लगाने लगा, भस्म नंदी विश्व के लगाने लगा। आज शंकर जी गौरा को प्यान चले। अगली पंक्तियां हैं कि और क्या क्या उन्होंने श्रृंगार किया है कि वासुकी नाग माला गजब ढा रही, वासुकी नाग माला गजब ढा रही। और किसने किसने भगवान शिव का श्रृंगार किया देखिए तो, कि वासुकी नाग माला गजब ढा रही। विष्णु दूल्हे को रच रच सजाने लगे, विष्णु दूल्हे को रच रच सजाने लगे। और देखो ब्रह्मा भी रख कर कमंडल अलग, देखो ब्रह्मा भी रख कर कमंडल अलग, देखो ब्रह्मा भी रख कर कमंडल अलग। भोले शंकर को काजल लगाने लगे, भोले शंकर को काजल लगाने लगे। और आज शंकर जी गौरा को ब्याहन चले। कि सारा कैलाश खुशियों से झूमे मगन, सारा कैलाश खुशियों से झूमे मगन। सृंगी डम डम, सृंगी डम डम भी डमरू बजाने लगाया। आज शंकर जी गौरा को ब्याहन चले। आखिरी पंक्तियां है कि भूत प्रेतों को लेकर बराती चले, हर महादेव बम बम के नारे लगे। भूत प्रेतों को लेकर बराती चले, हर महादेव बम बम के नारे लगे। आरती अब वहां पर माता मैना भगवान शिव की आरती उतारने के लिए आती है। दूल्हा जब दरवाजे से आता तो वो क्या देखते हैं कि उन्होंने सोचा कुछ था और देखते उन्होंने कुछ कि भूत प्रेतों को लेकर बराती चले, हर महादेव बम बम के नारे लगे। आरती लेके मैना जी द्वारे खड़ी, देख शिव रूप असुवन में धारे लगे। अरे मैंने तो सोचा था कि शिव कैसे होंगे, ये तो भूत आग और ये पता नहीं क्या क्या लपेट के आ गए। ऐसा मेरा दामाद, ऐसी भोली मेरी पुत्री, मैं किस रूप ने नारद ने तो मुझे फंसा दिया। रोने लगी तो कहती है कि भूत प्रेतों को लेकर बराती चले, हर महादेव बम बम के नारे लगे। आरती लेके मैना जी द्वारे खड़ी, शिव रूप देख अश्वन के धारे लगे। हाय नारद ये तूने तो क्या कर दिया,
हाय नारद ये तूने तो क्या कर दिया, भाग्य मेरे सुता के मिटाने लगा, भाग्य मेरे सुता के मिटाने लगा। आज शंकर जी गौरा को बयान चले। अब भगवान शंकर समझ गए कि माँ जो है दुखी हो रही है, अब मुझे असली रूप में आना है। और भगवान शिव फिर इसके बाद अपना वास्तविक रूप प्रकट करते हैं, जो स्फटिक की तरह उनका शरीर सुंदर व दिव्य रूप दिखाते हैं कि मुस्कुरा कर के शिव ने धरा रूप, जब देवता पुष्प बारिश कराने लगे। मुस्कुरा करके शिव ने धरा रूप, जब देवता पुष्प बारिश कराने लगे। पढ़ के वेदों के मंत्रों को ब्रह्मा ने तब भावरे शक्ति शिव के कराने लगे। पढ़ के मंत्रों को वेदों के ब्रह्मा जी तब भावरे शक्ति शिव की कराने लगे। और यहाँ पर और भी जिसे कि रति उसी समय जब भगवान प्रसन्न थे, विवाह का समय था, तब रति आती है और भगवान से प्रणाम करके कहती है कि हे भोलेनाथ, आज आप खुश हो, आप मुझे वरदान दो कि मेरे पति कामदेव मुझे जल्द ही प्राप्त, क्योंकि भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया। तो मुस्कुरा करके शिव ने धरा रूप, जब देवता पुष्प बारिश कराने लगे। पढ़ के वेदों के मंत्रों को ब्रह्मा ने तब भावरे शक्ति शिव की कराने लगे। और रति ने चरणों में आकर के की वंदना, रति ने चरणों में आकर के की वंदना। काम भी बाण अपने चलाने लगा, झूम कर आसमां गीत गाने लगा। आज शंकर जी गौरा प्यार चले। बोलो भोलेनाथ शंकर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।